हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर 2023-24 का बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि व्यावसायिक प्रबंध का मैं पेपर दिखा रहा हूँ। एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, या आप कभी भी पेपर को देखें, कभी भी इस वीडियो को देखें, हमारे लिए नहीं अपने लिए इस वीडियो को देख लेना, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, ये पेपर है, तीसरा पेपर है बिजनेस मैनेजमेंट का। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का, मैक्सिमम जो मार्क मिलेगा 75 नंबर मिलेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। कहता है अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें, यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखें। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा हलबुला जाते हैं, आपको पहला खंड है तो पहले खंड के प्रश्नों को आप लाइन से लिखिए। और आपको ये भी बता दे रहे हैं कैसे आपको ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा, आगे वीडियो में लास्ट में बताएंगे उसको, क्योंकि पहले क्वेश्चन पेपर दिखा दें। क्रमानुसार का मतलब होता है क्या, जैसे मान लीजिए आपके सामने ए प्रश्न है ना, देखो प्रश्न खंड आ, खंड सेक्शन ए डालिए, खंड आ डालिए, लिख भी दीजिए वहाँ पर अति लघु उत्तरी, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ना। अब आप समझिए 50 वर्ड में कह रहा है लिखने के लिए, ध्यान दीजिएगा किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देना है, बस एक प्रश्न का उत्तर 3 अंकों में होगा। समझिएगा हमारी बात को, कितने शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में। अब हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, उनको कितना भी मैं बताऊँ प्यारे बच्चों, ऐसा है स्टूडेंट्स, आप इसे कॉपी मिलती है एक पेज में, एक इतना ऐसे पेज होता है, एक पेज में आप 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखें, 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं हमको आ गया, सारा समय यहीं पर व्यतीत कर देते हैं, कई शब्द बोल रहा है, 50 शब्द बोल रहा है, तो एक पेज में 100 शब्द आता है, लगभग 100 से 125 शब्द आता है, तो 50-50 शब्द आ जाएगा। लाइन से लिखिए, जैसे प्रश्न है देखो आपके सामने दिखा रहे हैं, लाइन से लिखना है 50 पद। अब ज़्यादा पूरा पेज भर के मत लिखना कभी भी, 3 नंबर का पूछा है तो 3 नंबर लाइक लिखो, 6 नंबर का पूछा है या 9 नंबर का पूछा है तो 9 नंबर लाइक लिखो, 15 नंबर का पूछा है तो 15 नंबर लाइक लिखो, अगर 3 का पूछा है आप 10 नंबर लाइक लिख देंगे तो आपको कोई 10 नंबर नहीं देगा उसमें, 3 नंबर ही देगा, उससे कम ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा। तो याद रखना कभी भी आप सेक्शन ए डालेंगे, जैसे कहता है प्रबंध की अवधारणा लिखिए ना, अगर इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो इसको पहले लिख दो। सक्रिय तथा प्रतिक्रियाशील योजनाएं क्या होती हैं, या संगठनात्मक वातावरण ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है, नेतृत्व किसे कहते हैं, नियंत्रण किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये 3 प्रश्न आ रहे हैं, सी डी और ई आ रहा है, तो हम पहले सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, ई लिखेंगे। अब मान लीजिए हमको आ रहा है ए बी सी, ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, डी आ रहा है, तो ए पहले लिखो, फिर डी लिखो, फिर ई लिखो, 3 ही प्रश्न आपको करने हैं। आपको ध्यान देना है 3 प्रश्न करिएगा, मैंने बता दिया 1.5 पेज के अंदर 3 प्रश्न कर लेना है। अगर 3 × 3 3 × 9 होगा, तो अगर मान लीजिए गलत भी आपका हो गया तो 2 नंबर मिलेगा आपको, 2 × 3 6 नंबर तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, 6 नंबर मिल जाएगा। अगर आप बहुत अच्छी राइटिंग जाती है तो आपको 8 नंबर भी मिल सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, लाइन से लिखिएगा, ठीक है। और बहुत आसान पेपर है, ऐसे ही पेपर भविष्य में भी आएगा, जिसे पूछा है संगठनात्मक वातावरण क्या होता है ना, सक्रिय प्रगतिशील क्रियाएं क्या होती हैं, प्रबंध के बारे में आपसे पूछा गया है, प्रबंध के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की प्रकृति को प्रबंध कहा जाता है, इसको आप जानते ही हैं। नेतृत्व किसे कहते हैं, लीडरशिप, नेतृत्व का मतलब होता है जो व्यक्ति लीड करता है, जो व्यक्ति मार्गदर्शन करता है उसे नेता कहा जाता है, जो किसी भी संस्था में मार्गदर्शन करने वाले कुछ मैनेजर होते हैं जो अपने कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिनके अंदर लोग काम करते हैं, सब लिखना है। नियंत्रण किसे कहते हैं, जो कंट्रोलिंग का काम करता है। अब आ जाइए सेकंड सेक्शन बी, क्वेश्चन लिख लीजिएगा कॉपी में। कहता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कहता है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, केवल 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 1 क्वेश्चन 9 नंबर का होगा। अब 225 शब्द बोला है ना, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, एक पेज लिखते हैं, भैया एक पेज लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, हमारी बात हो सकता है बेकार लगे, लेकिन एक पेज लिख लोगे तो कुछ नहीं होगा, कम से कम आपको कितनी पेज लिखना पड़ेगा, 2 पेज तो आपको लिखना पड़ेगा। 2 पेज नहीं लिखे हैं तो सपना छोड़ दीजिएगा कि हमको कोई 9 नंबर में 7 भी नंबर नहीं देगा, 1 पेज लिखे हैं तो 3 नंबर ज्यादा नहीं पाओगे,
तो आपको दो पेज लिखना है, और कैसे लिखना है भी मैं बता रहा हूँ, और ज़बरदस्ती भी नहीं लिखना है। पूछ रहा है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संचार के लाभ एवं हानियाँ लिखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ इंटर में भी बच्चे पढ़ते हैं, बीकॉम में भी पढ़ते हैं ना, औपचारिक संप्रेषण अनौपचारिक संप्रेषण के लाभ आपको लिखना है। ऐसा संप्रेषण जो जिसका कोई सिस्टम नहीं होता, जैसे अंगूरी लता संप्रेषण भी कहते हैं, हमने किसी बात को आपको बताया, आपने चार लोगों से और बताया, और चार लोग और लोगों से बताए, ऐसे कुल फैल जाता है। इसका कोई निश्चित वो नहीं होता है, फिक्स टाइम नहीं होता है, सही नहीं। तो इसके बारे में आपको एक पेज में लाभ लिखना है, एक पेज में हानियाँ लिखना है। पाँच छः हेडिंग याद रहेगी तो बना के लिख दोगे। अब नेतृत्व शैली के प्रकार लिखिए, नेतृत्व की शैलियाँ होती हैं, नेतृत्व की शैलियाँ होती हैं जिनके प्रकार आपको लिखने। नेतृत्व की शैली में क्या आएगा, जैसे नेता मार्गदर्शन करने का काम करता है ना, नेता आक्रामक होना चाहिए, नेता मधुर संबंध वाला होना चाहिए ना, नेता के अंदर बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, नेता मार्गदर्शन प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए, यही सब चीज़ आपको पढ़कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। नियोजन के सिद्धांत आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा नियोजन, तो कितने पेज में, दो पेज से कम आपको नहीं लिखना, यही सब आएगा पेपर में, कभी भी पेपर दीजिएगा। अधिकार एवं उत्तरदायित्व के बीच में क्या संबंध है समझिएगा, ठीक है। इन्हीं में से आपको कितने प्रश्न करने हैं, देखो इसमें 7 प्रश्न दिए रहेंगे, केवल आपको 4 प्रश्न करने रहेंगे, ठीक है, इसको लिख लीजिए कॉपी में। संगठनों के नवीनीकरण एवं संगठनात्मक वातावरण एवं संस्कृत का महत्व लिखिए। नियंत्रण की अनिवार्यताओं पर आपको चर्चा करनी है, नियंत्रण क्यों अनिवार्य। सामूहिक निर्णयन मतलब जब कई लोगों को मिल करके निर्णय लेते हैं, उनको सामूहिक निर्णय के कौन कौन से प्रकार होते हैं ना, बहुत जगह वोटिंग होती है सामूहिक निर्णय के लिए, बहुत जगह हाथ उठाकर, बहुत आँख मूंद कर, ये सारी चीज़ें होती हैं। सी नंबर देखिए, सी में आपको देखना है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ना, जैसे यहाँ पर बताया, अगर आप दो पेज में पूरा लिखते हो हमारी कहना मानेंगे तब ठीक है ना, टाइम को ध्यान में दीजिए, उस प्रश्न को जो तीन नंबर का था उसको 15 मिनट में समेट दीजिए, कई मिनट में, 15 मिनट में समेट दीजिए, तो दूसरे घंटे में कई मिनट बचा, पहले घंटे में 45 ना, 45 क्या, 45 पहले घंटे का ले लीजिए, 10 मिनट अगले घंटे का ले लीजिए, 55 मिनट में आपको 2×8 पेज लिख देना चाहिए, 55 मिनट के अंदर या 45 मिनट के अंदर भी फटाफट लिखना पड़ता है, वहाँ रुकना नहीं है कि धीरे धीरे सोचने वाले लोग नहीं लिख पाएंगे भी हम बता दें, क्योंकि जब पहले नहीं पढ़े रहोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग में कहता है दो क्वेश्चन करना है, 15 नंबर का है, कई शब्द में 475 चार पेज के नीचे लिखोगे तो कुछ नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा हमारी बात को, ठीक है। कहता है टेलर और फ्योल, ये इंटर से लेकर बीकॉम से लेकर एमकॉम तक है, टेलर का सिद्धांत क्या कहता है प्रबंध में, फ्योल हेनरी फ्योल का सिद्धांत क्या कहता है, इस पर पूरा बढ़िया से आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसका पूरा वीडियो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अगला संगठन की प्रक्रिया को समझाइए, संगठन को प्रोसेस कैसे किया जाता है, औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन इसको समझाना है, समझो पहले प्रक्रिया के बारे में लिखना है, फिर औपचारिक के बारे में लिखना है, अनौपचारिक के बारे में लिखना है, अंतर लिखना है, तभी तो भरेगा। संचार की बाधाओं पर चर्चा कीजिए, इन बाधाओं को दूर करने के उपाय बताइए, यही क्वेश्चन सेम डे बीकॉम में बिजनेस कम्युनिकेशन था आज, और जो भैया यूनिवर्सिटी में एमकॉम में बिजनेस मैनेजमेंट, प्रश्न का थोड़ा सा अंतर है, पूछ लिया बच्चे नहीं लिख पाए तो जाओ कौन कौन सी बाधाएं आती हैं जब हम सामूहिक संचार, संचार मतलब व्यावसायिक संचार संप्रेषण में हम आपसे बात कर रहे हैं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कोई तेज बोल रहा है ना, आवाज़ आ रही है, विस्फोट हो रहा है, ट्रेन जा रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बाधाएं भी आती है, शब्दों की भाषा आती है ना, हिंदी भाषा की आता है ना, संकेत आता है, तो इसको आपको लिखना है। अगला समन्वय के बारे में पूरा आपको लिखना है, समन्वय प्रबंधन का सार है ना कि केवल प्रबंधन का कार्य, इस कथन का मूल्यांकन करिए, समन्वय के बारे में पूरा पूछा गया है। तो इस वीडियो को मेरे बताने का उद्देश्य है बीकॉम एमकॉम एमकॉम के स्टूडेंट के लिए वीडियो था, सभी स्टूडेंट बढ़िया से पढ़ाई करें, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे ज़रूर बताएँ।